वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन सो वी आर करेंटली डूइंग रिवीजन क्लासेस फॉर क्लास ट्वेल्व जो आप लोगों का टर्म वन सेमेस्टर वन का एग्जाम उसके लिए अपने रिवीजन क्लासेस कर रहे हैं ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू केडिया क्लासेस आई एम सी ए विष्णु एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड पार्टनरशिप फंडामेंटल्स आज के सेशन में अपने कवर करने वाले हैं एमशन ऑफ अ पार्टनर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर मतलब रदर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एज अ होल When we talk about of तो रिकंस्टिड्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या क्या चीज होता है एकदम कवर किए थे फटाफट सबको ही याद करना मेरे साथ में चेंज इन प्रॉफिट और डेथ ऑफ अ पार्टनर चेंज इन पी एस आर एडमिशन रिटायरमेंट डेथ ठीक है तो ये सब ये चारों पॉइंट से रिलेटेड अपना फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस है उसको फोकस करते हुए अपने डिस्कशन करेंगे मोर फोकस टुअर्ड्स एडमिशन ओनली राइट बट द सेम कॉन्सेप्टिल कंटिन्यू टू रिटायरमेंट इंड ऑल्सो ठीक है तो इसमें एक्सैक्टली exactly अपने को एडमिशन पार्टनर में क्या क्या कॉन्सेप्ट में जानना है यह अपने लास्ट क्लास में देखे थे कि सर एक तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्या चेंजेस होता है ना उस बारे में अपने को देखना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या चेंजेस होता है

और उसके बाद अपने देखेंगे कि अपने रिविजन में उससे रिलेटेड कौन कौन सा क्वेश्चन है फिर वो अपने क्वेश्चन सोल्व करेंगे ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेटेस्ट डू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड सारा बातचीत करेंगे गुड मॉर्निंग एवरी वन गाइज एक बार फटाफट -फड़ रिप्लाई कर ऑडिबल एवरीथिंग ऑल राइट हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरी वन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड जितना भी बात है अपने स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं एवरी वन अटेंडिंग ऑनलाइन ऐसे सोते सोते क्लास नहीं अटेंड करना है गाइज फटाफट -फड़ रिप्लाई दो एम आई ऑडिबल एवरीथिंग ऑल राइट आर यू रेडी फॉर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर यो रोशनी एंड बाकी लोग भी यो जो लोग भी अटेंड कर रहे हैं गाइस रिप्लाई करो फटाफट सुनो फोकस फोकस पार्टनर ए बी और सी तीन अच्छा आज का सेशन स्टार्ट करें उसके पहले एक बात बता देते हैं अब से सेशन अपलोड नहीं होगा आज वाले सेशन से राइट रिकॉर्डिंग विल नॉट बी अपलोडेड तो कल वाला क्लास एंड उसके पहले वाले क्लास ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब में तो so, वो आप लोग देख लीजिए बट आज से आज कल परसों एंड उसके बाद एक दो दिन और एक्सटेंड होगा अकाउंट्स का क्लास भी अपलोड नहीं होगा और बाकी सब्जेक्ट का भी क्लासेज uh, अपलोड नहीं होगा तो यू ऑल गॉट टू अटेंड ऑनलाइन ठीक है गुड मॉर्निंग हाय हाईटी महक हर्ष चलिए तो एक एग्जांपल ले रहे हैं इसी एग्जांपल में ये पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा ठीक है, फुल कॉन्सेंट्रेशन एकदम स्टार्टिंग से सर देखिए मान लीजिए पहले इन लोग का ना एस आर जब भी हम बोलेंगे मतलब ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो राइट ओपी नहीं ओवर पावर्ड बहुत जन ऐसे पढ़ने लगे इसको ओवर पावर्ड क्या बोल दिया आप आर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर एग्जाम्पल इट वॉज थ्री टू वन थ्री टू टूज टू वन तो इसका मतलब थ्री बाई सिक्स टू बाई सिक्स वन बाई सिक्स ये था और अब ये लोग डिसाइड किया कि इसको इक्वल करेंगे इसको इक्वल करेंगे राइट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये लोग डिसाइड किया कि इक्वल करेंगे नहीं ऐसे नहीं चलेगा भेदभाव थ्री टू 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 वन नहीं चलेगा इक्वल करो इसको तो इसको इक्वल किए मतलब वन बाई थ्री वन बाई थ्री वन बाई थ्री वन इजू वन इज टू वन का मतलब वन बाई थ्री वन बाई थ्री वन बाई थ्री ठीक है आप लोग के बहुत सारे बुक्स में र, वेदर यू सी डीके गोयल टीएस ग्रेवाल और एनी अदर रेफरेंस बुक्स उस इस रेशियो को सॉल्व करने का तरीका ना एकदम डिफरेंट है उसमें आप लोग को टाइम ज्यादा लगता है कंफ्यूजन ज्यादा होता है अभी जो तरीका बताएंगे ना वो मेन पकड़ने का कोशिश करना एग्जैक्टली exactly गेन और सेक्रीफाइस कैसे कैलकुलेट करते हैं अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोग पकड़ लोगे तो एग्जाम में रॉन्ग नहीं हो सकता है कभी भी आपका रेशियोज रॉन्ग नहीं हो सकता एकदम नहीं हो सकता है राइट तुम लोग का हुआ है क्या कभी रॉन्ग रेशियो रॉन्ग होता है क्या नहीं जेनुनली पूछ रहा है ऐसे ही खाली मेरे को प्लीज करने के लिए नहीं नहीं हो सकता है रॉन्ग हुआ है क्या तुम्हारा होता है क्या एक बार में राइट नहीं होता है हर बार अगर यहां पर रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के टॉपिक में अगर आप ये वाले स्टेप में मिस्टेक करते हो तो आगे का पूरा सम बेकार है करना वेस्ट है क्योंकि आप गेन और सेक्रीफाइस रॉन्ग निकाल दिए अब आगे का क्या बात करेंगे आप गुडविल का ट्रीटमेंट रॉन्ग करेंगे आप जो लास्ट में अगर क्वेश्चन और कुछ पूछा है प्रॉफिट शेयरिंग से रिलेटेड तो वो भी आप रॉन्ग करेंगे ठीक है तो अब इसमें क्या करना है ना अपना ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि डिनोमिनेटर को सेम करिए सर देखिए यहां पे ना ओपीएसआर में आपका तीनों में, 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 में डिनोमिनेटर सिक्स है यहां पे तीनों में डिनोमिनेटर थ्री है डिनोमिनेटर मतलब फ्रैक्शन में जो नीचे वाला नंबर है अनुभव ओ ठीक है कोई बात नहीं है तो डिनोमिनेटर में जो नीचे वाला नंबर है उसको फ्रैक्शन में जो तो नीचे वाला नंबर है उसको अपने को सेम करना है उसको कॉमन करना है तो सर तो क्या करना चाहिए एक बार खुद से सोचो तो पांच सेकेंड सोचो फिर हम बोल रहे थ्री है तो नीचे वाले को इंटू टू कर दीजिए अगर तो मतलब हम क्या किए इंटू टू किए ना डिनोमिनेटर में तो ऊपर भी इंटू टू कर दो टू बाई सिक्स टू बाई सिक्स टू बाई सिक्स, सिक्स लिख सकते हैं क्या इसको बस हो गया काम अब आप सीधा प्लस माइनस कर सकते हैं थ्री पहले था थ्री ऐसे सोचना देखो ओल्ड था ए का ए का ओल्ड रेशियो था 3 अब हो गया सिर्फ 2 बेचारा सैक्रिफाइस किया है कितना 1/6 सैक्रिफाइस को हम लोग ब्रैकेट में लिख देते लिख देते हैं गेन सैक्रिफाइस मतलब ब्रैकेट फिर अभी इसका देखो बी का पहले था 2 और अभी भी 2 कोई चेंज नहीं है सर कोई गेन कोई सैक्रिफाइस नहीं है सी का देखो पहले था 1 अब हो गया टू मतलब इसको फायदा हो गया इसका वन बाई सिक्स का गेन हो गया इसका वन बाई सिक्स का गेन हो गया करेक्ट यहीं पे इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं चलो ए बी सी ये वाला क्लियर आई होप ठीक है इसी तरह से इसी का एग्जाम्पल चलता रहेगा लगातार पहले सेना पार्टनर सिर्फ ए और बी है थ्री टू टू का रेशियो में थ्री बाई फाइव टू बाई फाइव और ये पहले था नहीं ये अब नया पार्टनर एडमिट हुआ है नया पार्टनर एडमिट होने पे ये लोग बोला कि अब रेशियो हो जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी वन इज टू वन इज टू वन मतलब इक्वल हो जाएगा तो वन बाई थ्री वन बाई थ्री वन बाई थ्री हो जाएगा एकदम सेम काम करना है सेम काम करना है देखिए यहां पे ओपीएसआर में थ्री बाई फाइव टू बाई फाइव था और अभी एनपीएसआर वन बाई थ्री वन बाई थ्री वन बाई थ्री हो गया अपना ऑब्जेक्टिव क्या है दोनों में डिनोमिनेटर को सेम करना ओपीएसआर का सारा डिनोमिनेटर एनपीएसआर का सारा डिनोमिनेटर को आप सेम कर दीजिए चाहे कितना ही घटिया नंबर हो कोई फर्क नहीं पड़ता है बस सेम होना चाहिए दैट इज द ओनली ऑब्जेक्टिव तो बताओ अभी यहां पे डिनोमिनेटर फाइव है मतलब पूरा ओपीएसआर में डिनोमिनेटर फाइव है यहां पर पूरा डिनोमिनेटर थ्री है क्या करें इसको सेम करने के लिए क्या करें फिफ्टीन होने से हो जाएगा ना कि सर आप ओपीएसआर को और एनपीएसआर को दोनों को फिफ्टीन कर दीजिए तो इसको फिफ्टीन करने के लिए क्या करें नीचे तो सर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा थ्री से तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करो थ्री से तो नाइन बाई फिफ्टीन थोड़ा सा केयरफुली करना पड़ेगा मिस्टेक होने का चांसेस होता है सिक्स बाई फिफ्टीन यहां पर फिफ्टीन करने के लिए डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फाइव से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करो फाइव से फाइव बाई फिफ्टीन फाइव बाई फिफ्टीन फाइव बाई फिफ्टीन अब आपको कैसे सोचना है सर गेन और सर देखिए पहले था नाइन अब हो गया फाइव मतलब ए बेचारा सैक्रिफाइस किया है फोर बाई फिफ्टीन बी को देखो सर बी का पहले था सिक्स अब हो गया फाइव आप लोग बताइए क्या किया गेन की सैक्रिफाइस सैक्रिफाइस सर कितना वन बाई फिफ्टीन एक्सेलेंट अब एक बात बताएं आप उसका चेक करो उसके पहले आपको यह दिख जाना चाहिए कि सर अगर फोर सैक्रीफाइस ए किया है वन सेक्रीफाइस बी किया है तो पक्का इसका फाइव का गेन है क्योंकि ये वाला इफेक्ट नेट में जीरो आना ही होगा आना ही होगा सर क्यों आना होगा कुछ सोचो ना देर इज ओनली वन पिज्जा देर इज ओनली वन पिज्जा प्रॉफिट जो टोटल प्रॉफिट है ना उसको एक पिज्जा की तरह सोचो जो पहले ये लोग थ्री टू टू में बांट रहे थे स्लाइसेस कट कर रहे थे तीन स्लाइस ए ले रहा था दो स्लाइस बी ले रहा था अब उसी पिज्जा का आप ऐसे सोचो ना पंद्रह कट रहा है नाइन मतलब स्लाइस तो ले रहा था ए सिक्स स्लाइस ले रहा था बी उस तरह से ये लोग फिफ्टीन स्लाइसेस बांट रहे थे अब वही फिफ्टीन स्लाइसेस कैसे बट रहा है तो इसका मतलब ए बेचारा अपना चार स्लाइस छोड़ दिया ना बी बिचारा अपना एक स्लाइस छोड़ दिया ना ये स्लाइस ये किसके लिए छोड़ा सी के लिए छोड़ा तो सी को वो फोर प्लस मिल गया पिज्जा रिमेन पीसेस में से जो पहले नाइन स्लाइसेज ए ले रहा था वो नाइन स्लाइस में से अब सिर्फ फाइव स्लाइस रख रहा है फोर स्लाइस वो छोड़ दिया बी भी एक स्लाइस छोड़ दिया तो दोनों मिलकर फाइव स्लाइस छोड़ा दोनों का दोनों का सेक्रीफाइस फाइव है तो ऑब्वियसली इसका गेन फाइव होगा इसका गेन फाइव हो गया देखो इसका पहले जीरो था और इसको अब फाइव बाई फिफ्टीन मिल रहा है मतलब फाइव बाई फिफ्टीन का इसका गेन हो गया कंफर्टेबल ए और बी पहले से पार्टनर था to के रेशियो में सी पहले पार्टनर नहीं था अब क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज हो गया क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो सी आया है ना नया पार्टनर जो नया पार्टनर सी आया है वो आया है से ये आया है आपका थ्री बाई सेवन शेयर के लिए थ्री बाई सेवन के लिए आया है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है मतलब ए बी सी कितने शेयर में नए वाले प्रॉफिट को शेयर करेंगे ये इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है राइट right? क्वेश्चन में कुछ तो और देगा कुछ तो और देना पड़ेगा आई एम से बोला क्वेश्चन कुछ नहीं बोला क्वेश्चन नहीं बोल रहा है हो सकता है तो फिर आपको कुछ अज्यूम करना पड़ेगा अगर सर क्वेश्चन कुछ नहीं बोला इसको थ्री बाय सेवन मिला है ध्यान से समझना को थ्री बाई से मिला तो इसका मतलब ये लोग पिज़्ज़ा uh, मिला मिला या, या कोई अकेला इफ इज एलिजिबल इसके पास अगर खुद के पास पहले से इतना शेयर है तो वो बी दे दिया होगा कोई तो दिया है, तभी सी को मिला है कोई तो दिया है तभी मिला है, तो है, तभी मिला है पक्का करेक्ट तो ये कौन दिया ये चीज नहीं बोल रहा है क्वेश्चन नहीं बोल रहा है क्वेश्चन आपको बहुत सारे क्वेश्चन में बोलेगा अभी हम भी एग्जाम्पल में बताएंगे देखो ऐसे बोल दिया बट अभी कुछ नहीं बोला अगर कुछ नहीं बोला इसका मतलब आपको मानना पड़ेगा कि सर ए और बी का ए और बी का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज ऑल्सो सेम एज ओपीएसआर मतलब सर टोटल में से अगर थ्री बाई सेवन निकल गया तो आपके पास टोटल फोर बाई सेवन बचा अगर टोटल में से थ्री बाई सेवन सी ले लिया तो आपके पास बचाई फोर बाई सेवन इस फोर बाई सेवन को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थ्री टू टू में ही बांटेगा मतलब फोर बाई सेवन जो बचा हुआ हिस्सा है उस बचे हुए हिस्से का थ्री बाई फाइव लेगा ए और उस बचे हुए हिस्से का टू बाई फाइव लेगा बी अब इसको आप सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है ट्वेल्व बाई थर्टी फाइव एट बाई थर्टी फाइव और इसको भी थर्टी फाइव में कन्वर्ट करो इसको भी लास्ट वाले को भी थर्टी फाइव में कन्वर्ट करो जरा फिफ्टीन फिफ्टीन कैसे हो रहा है अच्छा फाइव बाई थर्टी फाइव फिफ्टीन बाई थर्टी फाइव फिफ्टीन बाई थर्टी फाइव करेक्ट है तो ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मिल गया ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मिल गया अब जरा इसका एक बार सैक्रीफाइस कैलकुलेट करो तो ये एनपीएसआर हो गया अब गेन और सैक्रीफाइस एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं चलो देखो सर इसको भी आप पहले थर्टी फाइव में कन्वर्ट करिए देखिए ओपीएसआर में ओपीएसआर में डिनोमिनेटर इज फाइव एनपीएसआर में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिनोमिनेटर इज थर्टी फाइव तो क्या करें सर ओपीएसआर को कन्वर्ट कर दे थर्टी फाइव में इंटू सेवन कर दें तो ऊपर नीचे दोनों जगह सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी तो मतलब का पहले था फोर्टीन बाई थर्टी फाइव वो सैक्रीफाइस किया है सॉरी नया है एट मतलब फोर्टीन से एट हो गया तो सिक्स बाई थर्टी फाइव सेक्रीफाइस किया है ना पहले था फोर्टीन अब रहा एट

इसका मतलब इसका मतलब अगर अपने को क्वेश्चन में ना बोले कि नए वाले पार्टनर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है एक तो ये ना बोले या फिर ये नहीं बोले कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है क्वेश्चन में ये दोनों इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो इसका मतलब सर जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वही एग्जिस्टिंग पार्टनर लोग का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है एग्जिस्टिंग पार्टनर लोग का ओल्ड पार्टनर लोग का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वही है और ओल्ड पार्टनर लोग का सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी वही है थ्री टू टू ही है थ्री टू टू ही है मतलब ये लोग का जो ओपीएसआर था टू टू वही ये लोग का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ए और बी का और वही ये लोग का सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी है लेकिन अगर हम ओवरऑल ओवरऑल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछे तो बताओ ओवरऑल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है ओवरऑल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज दिस ए और बी को देखोगे तो थ्री इज टू टू है ए बी सी को देखोगे तो बोलोगे टू ट्वेल्थ इज टू एट इज टू फिफ्टीन है ट्वेल्थ इज टू एट इज टू फिफ्टीन और उसको शॉर्ट नहीं किया जा सकता है, क्लियर है ए बी सी ओपीएसआर दिया हुआ है 3/5 2/5 ये पहले पार्टनर नहीं था अब क्वेश्चन एकदम अलग-अलग तरीके से बोलेगा कि ए कितना ए कितना सैक्रिफाइस कर दिया अलग से बोलेगा कितने रेशियो में सैक्रिफाइस किया ये नहीं बोलेगा ए कितना किया सैक्रिफाइस एब्सोल्यूट टर्म्स में बोलेगा कि ए टोटल में ए टोटल में कितना दे दिया मालूम लो मैं 1/15 दे दिया बी टोटल में 2/15 सैक्रिफाइस कर दिया क्वेश्चन बोल रहा है बस और कुछ नहीं बोलेगा

ये इसका सैक्रीफाइस है ये इसका सैक्रीफाइस है अलग अलग से दे दिया अब अगर हम लोग को सैक्रीफाइसिंग रेशियो भी पूछेगा तो सैक्रीफाइसिंग रेशियो वन टू टू दिख रहा है हम लोग को इक्वेशन रीड करके ये सजाने का मार्क्स मिलेगा कि आप ऐसे देख पा रहे हैं इस चीज को इस चीज का मार्क्स मिलेगा ठीक है तो ये अपने को गेन और सैक्रिफाइस बेसिकली क्वेश्चन इनडायरेक्ट तरीके से बोल दिया अब आप कैलकुलेट कर लीजिए एनपीएसआर

एकदम एग्जैक्टली exactly इसी चीज को देखो दूसरे तरीके से क्वेश्चन कैसे बोलेगा ठीक है ना ये ओल्ड है अब क्वेश्चन ये बोल रहा है गेन और सेक्रीफाइस का ही इंफॉर्मेशन दे रहा है देखो क्या दे रहा है क्वेश्चन बोल रहा है ए सैक्रीफाइज ए सैक्रीफाइज थ्री बाई फिफ्टीन ऑफ हिस् शेयर

उसका वन बाई फाइव ये सैक्रिफाइस है लैंग्वेज में सोल्यूशन चेंज हो जाएगा आपको लैंग्वेज को बहुत केयरफुली पढ़ना पड़ेगा इक्वेशन क्या बोल रहा है सरेंडर कितना किया ए कितना सरेंडर किया ऑफ हिज शेयर या फ्रॉम हिज शेयर अगर फ्रॉम है तो सीधा सीधा एब्सोल्यूट वर्ड बोल दिया एब्सोल्यूट टर्म्स और ऑफ हिज शेयर का मतलब अपने शेयर का कितना ठीक है यहां पे केयरफुल है यहां पे भी अगेन इसका टू बाई फाइव है बोल रहे हि सेक्रीफाइज वन बाई टेन ऑफ हिश शेयर वन बाई टेन ऑफ शेयर ऐसा भी कर सकता है ए केस में बोले ऑफ शेयर बी के केस में बोले फ्रॉम के शेयर समझ पा रहे हैं है ना दोनों के केस में अलग अलग बोल सकता है क्वेश्चन का लैंग्वेज विल बी इंपॉर्टेंट इसमें बोल दिया वन बाई टेन ऑफ शेयर तो ठीक है ये इसका सेक्रीफाइस है अब पहले इसको सॉल्व करते हैं सर थ्री बाई ट्वेंटी फाइव आ रहा है क्या और ये कितना आ रहा है टू बाई फिफ्टी तो इसको फिफ्टी में कन्वर्ट कर दें तो इसका मतलब सिक्स और टू एट एट बाई फिफ्टी पक्का इसका सैक्रीफाइस है, है इतना इतना, इतना six by और two by अब हम लोग को मिल गया कि सर और sacrifice का denominator 50 है, और का है इसका डिनोमिनेटर फाइफ है तो इसको थर्टी बाई फिफ्टी कर देते हैं और ट्वेंटी बाई फिफ्टी कर देते हैं तो ए को देखो थर्टी में से वो सिक्स दे दिया तो बचा ट्वेंटी फोर बाई फिफ्टी बी को देखो पहले था ट्वेंटी अब वो दे दिया उसमें से टू एटीन बाई फिफ्टी बचा और इसको तो सर अभी नया नया मिला है एट बाई फिफ्टी हो गया 24 फोर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर एटीन और एट को देखो ट्वेल्फ इजटू नाइन इंस टू फोर आप बोल सकते हैं थोड़ा सा स्पीड जानबूझ के पकड़े बिकॉज धीरे 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 अपने बिल्ड किए हैं आज इसको क्लियर है गाईज? ठीक है अब यहां पे एक और चीज अब हम लिखेंगे नहीं हमसे बोल रहे हैं सुन लो यहां पे क्वेश्चन आपको बोल देता कि सी सी हैज कम फॉर एट बाई फिफ्टी एथ शेयर एंड दिस इज सेक्रीफाइस बाई ए एंड बी इन द रेश टू वन देखो एकदम सेम बात है हम बोलेंगे आप लोग रिलेट करोगे ए सी इज एडमिटेड इन टू द पार्टनरशिप सी इज एडमिटेड इन टू द पार्टनरशिप फॉर एट बाई फिफ्टी एथ शेयर एंड वॉज सेक्रीफाइस बाई ए एन बी इनियो टूटी थ्री भी कर रहा है to... ना नहीं, नहीं, यहाँ वाले यह वाले एग्जाम्पल में इसमें तो फिट नहीं बैठेगा ना थ्री टू वन सी है और बी सेक्रीफाइस किया है थ्री टू वन के रेशियो में तो ये लोग रेशियो देखो थ्री टू वन है अब एकदम एग्जैक्टली यही वाला सोल्यूशन होगा बट क्वेश्चन का लैंग्वेज अलग हो सकता है आपको समझना पड़ेगा आपको क्या बोलना पड़ेगा कि अच्छा ये एट बाई फिफ्टी के लिए आया है इस एट बाई फिफ्टी का थ्री बाई फोर थ्री बाई फोर ये देगा और uh, इस एट बाई फिफ्टी का वन बाई फोर बी देगा अब इसको आप सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली आप वहीं पे पहुंचोगे हम्म करेक्ट तो अपने सीधा एक या दो क्वेश्चन खाली अच्छा वाला सीधा देखेंगे ये सारा डिस्कशन हो चुका है जितना भी हम आप लोग को बताएं बस इसके अंदर इतना ही डिस्कशन है लोग अलग अलग नाम ले लेके ले लेके ले ले बताएगा अलग अलग तरीके से उतना जानने का जरूरत नहीं है सारा तरीका कवर हो चुका है वेन दिस इज गिवेन दिस इज नॉट गिवन पंडा एकदम सिंपल है देखो एक बार नहीं एक नहीं चलो ये वाला कैलकुलेट करो ये वाला बस एक सम करेंगे अपने आप कैलकुलेट करो क्वेश्चन का लैंग्वेज बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केयरफुली रीड करो अपने आप सॉल्व करो Everyone, I am waiting for the answer, guys. ऑफवर्ड पे था क्या फोकस ये आ रहा है क्या राइट है टू ट्वेल्व है क्या हो सकता है ये सब एरर यार बहुत शॉर्ट टाइम में बनाया हुआ है ठीक है तो बोल देना कुछ ट्वेंटी ट्वेंटी एट इंस टू टेन इंस टू ट्वेल्व और ये सेवन इंस टू थ्री ठीक है देख लें क्या एक बार कौन कौन है तीन पार्टनर है एम एस और टी पहले था थ्री बाई सेवन सेवन बाई टेन और थ्री बाई टेन और फिर क्वेश्चन में देखो क्या बोला है एम सरेंडर्स वन फिफ्थ हेयर ऑफ हिज प्रॉफिट और ये थ्री बाई टेन का वन बाई थ्री तो सेवन बाई फिफ्टी थ्री बाई वन बाई टेन हो जाएगा क्या वन बाई टेन ठीक है हाँ उसको आप वन बाई टेन नहीं इसको इंटू टेन कर देंगे ना अच्छा आप इसको पॉइंट सेवन कर दिए क्या उसको 50 ले गया ना 5 50. तो 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 लिख दे रहा है पे तो 12 50. तो यही पे यहीं बस इसी step में आपको 7 5 का sacrificing ratio मिल गया और ये सेवन इसमें अपने को फाइव मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना थर्टी फाइव बाई फिफ्टी इसका मतलब थर्टी फाइव माइनस सेवन ट्वेंटी एट हो गया और ये फाइव फिफ्टीन बाई फिफ्टी फिफ्टीन माइनस फाइव ये आपका टेन हो गया और ये तो आया ही सर ट्वेल्व के लिए ट्वेंटी टेन ट्वेल्व करेक्ट है यही आ रहा है सबका एक और करना है क्या चलो एक और देख लो फटाफट सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए न्यू रेशियो बिटवीन एम एंड एस विल रिमेन एस सेम टू इज वन ही रहेगा तो नहीं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तुम लोग पूरा तो एज अ होल तो बोलेगा हाँ ठीक है टू इज टू वन इज टू वन ठीक है चलो अभी आपने क्या करेंगे गुडविल के बारे में बात करेंगे गुडविल गुडविल का प्रॉपर्टीज वगैरह अभी नहीं बताएंगे हम आप को. सीधा goodwill का main discussion करेंगे. Thought में बताएं क्या क्या होता है goodwill? अच्छा मेन फीचर्स आप लोगों को ये पूछ सकता है कि व्हाट आर है. खैर लिखने तो देगा नहीं उसमें लोकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट नेचर ऑफ द बिजनेस मार्केट कंडीशंस और मार्केट सिचुएशन ठीक है तो यहां पे गुडविल का वैल्यूएशन जब अपने करते हैं ना गुडविल का वैल्यूएशन का जरूरत क्यों पड़ता है सर जब भी रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है तो गुडविल का वैल्यूएशन का जरूरत पड़ता है क्यों जरूरत पड़ता है बिकॉज अभी अभी अपने देखे सर शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय कि कोई एक पार्टनर बेचारा सेक्रीफाइस कर रहा है और कोई एक पार्टनर गेन कर रहा है ये जो ये लोग गेन करता है और ये जो ये जो सैक्रीफाइस कर रहा है ये लोग में नहीं करता है इसके बदले ये लोग कम्पेंसेशन चाहिए होता है ये लोग जैसे ए बी पहले से पार्टनर है सी नया पार्टनर आया सी बोला कि मेरे को शेयर ऑफ प्रॉफिट दे देना प्लीज शेयर ऑफ प्रॉफिट देना और बी तो बोलेगा आ जा आ जा तुम कितना अच्छा इंसान है आ जा तेरे को ऐसे ही दे देते हैं ऐसे नहीं देगा वो लोग बोलेगा कि देख भाई कोई बात नहीं है तेरा भी एक क्या बोलते तुम भी अपना एक बिजनेस चला रहा तेरे आने से हम लोग को भी हेल्प मिलेगा बट द फैक्ट इज कि अभी ए और बी हम लोग दोनों मिल बिजनेस को इतना अच्छा चलाए हैं हम लोग के बिजनेस का एक गुडविल है ये गुडविल हम लोग दोनों का बिल्ड किया वोट है लेकिन तुम अगर पार्टनर बनेगा तो तुम भी इसका हकदार बन जाएगा तो तुमको हकदार फोकट में नहीं बनाएंगे तुमको हकदार बनाने के लिए कुछ कंपनसेशन देना पड़ेगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल देना पड़ेगा प्रीमियम फॉर गुडविल देना पड़ेगा प्रीमियम फॉर गुडविल कितना देगा सर जितना गुडविल का वैल्यू रहेगा और इन जितना तुम शेयर के लिए आ रहे है जितना शेयर के लिए तुम्हारा है मतलब जितना गुडविल का वैल्यू तुम कैलकुलेट uh, करेंगे अपने टोटल वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म और उसका जितना जो तुम्हारा शेयर ऑफ प्रॉफिट रहेगा वो तुमको देना पड़ेगा दिस इज द दईडिया जिसका गेन होगा जिसका गेन होगा उसको देना पड़ेगा ए बी सी तीन पार्टनर में एडमिशन के केस में किसका फायदा हो रहा था गेन किसका हो रहा था सी का हो रहा था नया पार्टनर जो आ रहा था उसका गेन हो रहा था तो उसको लाना पड़ेगा उसको देना पड़ेगा और मिलेगा किसको जो सैक्रिफाइस करेगा उसको मिलेगा ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि ए अकेला सैक्रिफाइस करे ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि बी अकेला सैक्रिफाइस करे ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि ए तो सैक्रिफाइस कर ही रहा है बी का उल्टा गेन हो गया बी भी गेन कर लिया मतलब सी तो नया पार्टनर आ रहा है उसका गेन हुआ और ए का भी गेन आई मीन बी का भी गेन हो गया सी तो नया पार्टनर आ रहा है उसका गेन हो गया और बी का भी गेन हो गया ए बेचारा बहुत ज्यादा सैक्रीफाइस कर रहा है तो ए को मिलेगा किससे सी से तो मिलेगा ही मिलेगा पूरा का पूरा जितना वो प्रीमियम गुडविल गुडविल रहेगा और बी से भी मिलेगा ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है ठीक है तो अब यहां पे पहला मैटर तो ये अराइज हुआ कि सर समझ गए इसका मतलब सर आपका पहला स्टेप है कि वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म पहले बताइए टोटल वैल्यू ऑफ द गुडविल गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करें गुडविल का वैल्यूएशन करने का हम शॉर्ट में बताएंगे तीन तरीका है क्या क्या एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड में सिंपल सिंपल बात है गुडविल इज इक्वल टू कई शॉर्ट फॉर्म आपको सुनते समझते चलना पड़ेगा जी मतलब गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचे एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज सुपर प्रॉफिट के केस में गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कैपिटलाइजेशन के केस में सर दो तरीका पॉसिबल है एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ क्या हुआ ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के केस में गुडविल का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बस खत्म माइनस सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मिनट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट और यहां पे सर बहुत सिंपल होता है सुपर प्रॉफिट के केस में ना गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न खत्म ध्यान से देखना इसको हम वापिस से लिख रहे हैं देखो एवरेज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट केस में कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट केस में गुडविल इज इक्वल टू एवरेज बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड एक एक करके थोड़ा सा नंबर्स के साथ में थोड़ा फास्ट फास्ट डिस्कशन करेंगे सर जैसे मान लीजिए कि एक बिजनेस था ए और बी चला रहा था बिजनेस इयर वन टू थ्री में ये लोग का प्रॉफिट हुआ ये लोग का प्रॉफिट हुआ ट्वेंटी थाउजेंड एट्टी थाउजेंड और फिफ्टी फाइव थाउजेंड और ईयर वन टू थ्री को रादर हम ऐसे बोल देते हैं ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ठीक है नहीं ये ये लोग का प्रॉफिट है ये गया हुआ प्रॉफिट है अभी वी आर स्टैंडिंग ऑन ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ये वाला साल में है अपने ठीक है ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ठीक है फर्स्ट

बट गुडविल के वैल्यूएशन में गुडविल का वैल्यूएशन करते वक्त ये एक्चुअल प्रॉफिट बहुत ज्यादा काम का नहीं है ये बहुत ज्यादा काम का नहीं है बहुत बार क्वेश्चन आपको बोलेगा कि सर ये वाला जो प्रॉफिट एट्टी थाउजेंड अर्न हुआ था ना ये इस साल में प्रॉफिट इतना ज्यादा इसलिए था क्योंकि इस फॉर्म का इस साल में एक लॉटरी इनकम हुआ था जो कि हर साल ऑब्वियसली नहीं होगा या फिर क्वेश्चन बोल देगा कि इस साल में ना कोई आपका क्या बोलते हैं इंश्योरेंस क्लेम मिला था एक्स्ट्रा टाइप का इनकम हुआ था जो कि ऑब्वियसली हर साल नहीं मिलेगा इस टाइप का एक्सेप्शनल या एक्स्ट्रा टाइप का जो आइटम होता है ना जो अब नॉर्मल टाइप का आइटम होता है या फिर आपके हिसाब से अब नॉर्मल एक्स्ट्रा या एक्सेप्शनल नहीं है बट क्वेश्चन बोल रहा है करो क्वेश्चन जो बोल रहा है वो करो राइट right? क्वेश्चन बोलेगा कि नहीं दिस इज नॉट टू बी कंसिडर्ड दिस इनकम शुड नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द वैल्यूशन ऑफ गुडविल पहला बात तो अगर अब नॉर्मल आइटम है है या एक्सेप्शनल आइटम तब तो आपको क्वेश्चन अलग से नहीं बोलेगा अलग से बता दिया ना भाई लॉटरी इनकम है तो ये बात अपने को नॉलेज होना चाहिए कि लॉटरी इनकम वजह से गुडविल का वैल्यूएशन अफेक्टेड नहीं होना चाहिए तो इस 80,000 के प्रॉफिट के अंदर में वो लॉटरी इनकम घुसा हुआ है प्लीज उसको हटाओ 40,000 का लॉटरी इनकम फोकट में कमाया है इसका कोई आना जाना नहीं है ये गुडविल के वैल्यूएशन में नहीं आना चाहिए इसको हटाओ पहले तो एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स बोलते हैं इसको एडजस्टेड प्रॉफिट निकलेगा ऐसा करने से फिर क्वेश्चन बोल सकता है कि 2021 में प्रॉफिट इतना कम इसलिए हुआ बिकॉज इस साल आग लग गया था राइट लॉस ड्यू टू फायर हुआ था पंद्रह हजार का तो लॉस ड्यू टू फायर के वजह से इसमें तो नुकसान हुआ हुआ है लॉस ड्यू टू फायर वाले लॉस के वजह से आपका गुडविल का वैल्यूएशन अफेक्टेड नहीं होना चाहिए इसलिए यहां पर प्लस फिफ्टीन कर दो राइट इसी तरह से क्वेश्चन आपको अलग अलग टाइप का एडजस्टमेंट बोल सकता है इसमें एक कॉमन एडजस्टमेंट हमसे बता रहे हैं लिखेंगे नहीं अभी यहां पे 2021 में एक कार खरीदा एक स्कूटी खरीदा स्कूटर खरीदा और उसको खर्चा में डाल दिया एक्सपेंस में डाल दिया जबकि वो फिक्स एसेट होना चाहिए उसको एक्सपेंस में डाल दिया ट्रेवलिंग एक्सपेंस में डाल दिया से फॉर एग्जाम्पल थर्टी का स्कूटी है उसको अगर एक्सपेंसेस में डाल दिया तो सर इसके वजह से तो प्रॉफिट घटा हुआ है प्लस वो थर्टी थाउजेंड प्लस कर दो क्योंकि वो गलत हुआ हुआ है प्लस थर्टी थाउजेंड करो थर्टी थाउजेंड का स्कूटी को अगर एक्सपेंसेस में डाल दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डाल दिया उस थर्टी थाउजेंड के एक्सपेंस की वजह से ये प्रॉफिट घटा हुआ है यस और नो तो ये तो गलत हो गया ना बढ़ा दो लेकिन सर अगर आप इसको फिक्स्ड एसेट मानते तो उस फिक्स्ड एसेट के ऊपर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते यस और नो तो चार्ज करते फॉर एग्जाम्पल ईयर के बिगनिंग में खरीदा हुआ है असेट। और टेन परसेंट एस एल एम स्ट्रेट लाइन मेथड तो आपको इस साल में माइनस थ्री थाउजेंडिएशन का करना पड़ता आप गलती से ट्रेवलिंग एक्सपेंस चार्ज कर दिए उसके वजह से आपका प्रॉफिट घटा हुआ है बढ़ा दो लेकिन अगर आप स्कूटी को एज इट इज रिकॉर्ड किए होते एज एन असेट तो आप डेप्रीशियन चार्ज करते जो कि आप नहीं किए हुए हैं तो वो चार्ज कर दो नेट में आपने ट्वेंटी सेवन एड किया लेकिन सर ये डेप्रिशिएशन का इफेक्ट तो आप नेक्स्ट ईयर भी लेते आपका प्रॉफिट यहां पे भी कम होता थ्री थाउजेंड से डेप्रीशिएशन तो नेक्स्ट ईयर भी आता स्ट्रेट लाइन मेथड हम बोले ये भी हो सकता था अगर डब्ल्यू डीबी बोलते तो थ्री थाउजेंड नहीं टू थाउजेंड सेवन हंड आता राइट इस टाइप का जो क्वेश्चन है एक दो क्वेश्चन आप लोग को अपने आप करना पड़ेगा ठीक हम पूरा का पूरा आप लोग को फंडा बता दिए कि एग्जैक्टली exactly ये एडजस्टेड प्रॉफिट निकलेगा ये सारा एडजस्ट ये सारा काम करके एडजस्टेड प्रॉफिट निकलेगा एडजस्टेड प्रॉफिट निकलेगा जो प्लस माइनस करेंगे ट्वेंटी करके जो आया कितना आया फिफ्टी माइनस फोर्टी सेवन थाउजेंड इसी तरह से इसका आएगा इसको बोलेंगे एडजस्टेड एडजस्टेड प्रॉफिट प्रॉफिट के बेस पे हमेशा एडजस्टेड प्रॉफिट के बेस पे ही गुडविल कैलकुलेट होगा अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स का बात कर रहा है तो आपको एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा नहीं तो आपका गुडविल का कैलकुलेशन रॉन्ग होगा आपका गुडविल का वैल्यूएशन करेक्ट नहीं होगा ठीक है तो एक बार अपने मानते हैं इस एग्जाम्पल में अपने मानते हैं कि ये पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा जो आ, ये वा, ये वाला जो गुडविल दिया हुआ है ना यहाँ पे ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है ये मान लेते हैं पूरा का पूरा एडजस्टेड है ये वाला है, ये वाला एडजस्टेड एडजस्टेड प्रॉफिट प्रॉफिट है ये है है इन जो आ अब क्वेश्चन आपको क्या बोलेगा पहले अपने एवरेज प्रॉफिट मेथड डिस्कस कर रहे हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड में सर एकदम सिंपल सिंपल बात है आप ये तीनों साल का टोटल करिए बताइए कितना आ रहा है वन लाख फिफ्टी फाइव थाउजेंड इसका डिवाइड बाय थ्री कर दीजिए Six, six, और फिर नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज दिया हुआ रहेगा नंबर ऑफ ईयर ऑफ से फॉर एक्जाम्पल टू दिया हुआ है तो दिस इज द वैल्यू ऑफ गुडविल एवरेज प्रॉफिट मेथड से बट एवरेज प्रॉफिट में भी ये वाला सिंपल एवरेज है क्वेश्चन में कभी कभी बोल सकता है कि नहीं वेटेड एवरेज निकालो वेटेड एवरेज निकालो तो वेटेड एवरेज कैसे निकालेंगे देखो सर वेटेड एवरेज में क्या होता है ना जो सबसे लेटेस्ट ईयर होता है ना जो सबसे एकदम जस्ट गया हुआ ईयर जो जस्ट अभी अभी गया है वो वाला ईयर उसका वेट सबसे ज्यादा होता है और जो सबसे पुराना वाला ईयर होता है ना उसका वेट सबसे कम होता है अभी ये ट्रेंड मत फॉलो करना कि सर जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है उसको वन लिख दीजिए जो उसके बाद लिखा हुआ है उसको टू लिख दीजिए और इसको थ्री लिख दीजिए जी नहीं इधर इस वन इसलिए लिखिए बिकॉज ये सबसे पुराना साल है अगर ये सबसे नीचे लिखा रहता अगर हम उल्टा दे देते ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी टू ट्वेंटी ट्वेंटी सबसे ऊपर थ्री लिखा हुआ रहता जो लेटेस्ट ईयर है उसको सबसे ज्यादा वेट दिया जाता है जो सबसे पुराना साल है उसको सबसे कमती वेट दिया जाता है हाँ डेप्रिसिएशन के बारे में क्वेश्चन में पक्का दिया टेन परसेंट ट्वेंटी परसेंट अगर क्वेश्चन में नहीं देगा तो आप कभी भी अज्यूम थोड़ा कर सकते हो कि मान लो चलो अज्यूम डेप्रिसिएशन का रेट ट्वेंटी परसेंट जी नहीं डेप्रिसिएशन का रेट ऑब्वियसली आपको देगा क्वेश्चन अब यहां पर सुनना आपने ये वेट दिया वेट के बाद क्या करना होता है ट्वेंटी थाउजेंड इंटू वन ट्वेंटी थाउजेंड एंड इंटू टू वन लाख सिक्सटी थाउजेंड फाइव थाउजेंड इंटू थ्री वन लाख सिक्सटी फाइव समेशन निकालो और द एवरेज प्रॉफिट वेटेड एवरेज प्रॉफिट विल बी ट्री फोर्टी फाइव डिवाइड बाई सिक्स डिवाइड बाई सिक्स थ्री फोर्टी फाइव डिवाइड बाई सिक्स चेक कर लो वेटेड एवरेज प्रॉफिट विल बी थ्री लाख फोर्टी फाइव थाउजेंडिड बाई में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है सच्ची सच्ची हाँ अनुभव पक्का थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा यार नहीं तो होगा नहीं कितना स्लो जाएंगे तो थ्री लाख फोर्टी फाइव थाउजेंड डिवाइड बाई सिक्स ये करने से अपने को क्या मिलेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट बताना एक बार कितना आ रहा है तो ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया फिफ्टी फिफ्टी सेवन फाइव हंड्रेड और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज आपको दिया हुआ रहेगा नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज मान लो टू दिया हुआ है तो योर वन लाख डिस्कस था एवरेज प्रॉफिट मेथड ठीक है एवरेज प्रॉफिट मेथड अब बात कर रहे हैं सुपर प्रॉफिट मेथड का सर एकदम एग्जैक्टली एक यही वाला डेटा है यही वाला डेटा है ठीक है एवरेज प्रॉफिट निकल गया कितना फिफ्टी सेवन फाइव हंड्रेड वेटेड एवरेज प्रॉफिट वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकला फिफ्टी सेवन अब क्वेश्चन में सर वेटेड एवरेज निकाले की सिंपल एवरेज निकाले क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रहा है तो सबसे सिंपल सिंपल एवरेज राइट कभी भी इस तरह के क्वेश्चन में ना लिखें आपको वेटेड एवरेज बोलेगा नहीं वेटेड एवरेज जनरली कब लगता है जब एक ट्रेंड फॉलो हो रहा हो 20 से 55, 55 से एट्टी ऐसा ट्रेंड होता है ना एक तब वेट्स लगता है नहीं तो जनरली वेट्स नहीं लगता है लेकिन क्वेश्चन क्या बोल दे क्वेश्चन जो बोल दे वो करना है तो मान लो अपना एवरेज प्रॉफिट आ गया एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है आपने निकाल लिए सर ये तो एक्चुअल से निकलता है आप एक्चुअल प्रॉफिट प्रॉफिट को एडजस्ट करके एडजस्टेड उस एडजस्टेड प्रॉफिट का आप सिंपल एवरेज कर दिए या वेटेड एवरेज कर दिए ये काम करके आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मिल गया अब बिजनेस में देखो अब क्वेश्चन में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखो क्या दे रहा है क्वेश्चन में एडिशनल दे रहा है कि कैपिटल लगाया हुआ था आपका फाइव लाख रुपीस कैपिटल लगाया हुआ है बिजनेस में फाइव लाख रुपीस अब ये कैपिटल लगाया हुआ का मतलब सिर्फ कैपिटल नहीं होता है इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग को एड किया जाता है कैपिटल लगाया हुआ है कैपिटल कितना लगाया हुआ है दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड का हम बात कर रहे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब बिजनेस के अंदर जितना भी असेट्स है उसमें से माइनस लायबिलिटीज़ ये पैसा लगा हुआ बिजनेस में ये पैसा लगा हुआ बिजनेस में इसी को दूसरे तरीके से लिखा जाता है कैपिटल प्लस रिजर्व ठीक है रेशियो एनालिसिस चैप्टर जब पढ़ेंगे ना वहां पर हम इसमें एक और चीज ऐड करेंगे दैट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग ठीक है अभी इस चैप्टर के लिए इतना इंफॉर्मेशन एनअप है सर क्या बोले कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब माइनस या आप इसको दूसरे तरीके से सर, तो बात है. है. अगर ये पांच सौ है ये पांच सौ है तो ये हजार है आप चाहे थाउजेंड माइनसाइव हंड्रेड को बोलिए फाइव हंड्रेड या डायरेक्टली फाइव हंड्रेड इसको कैपिटल एंड को बोलिए फाइव हंड्रेड ही तो बात है राइट तो कैपिटल एम्प्लॉयड है बोल रहा है बिजनेस में पैसा लगा हुआ है अपना एग्जांपल है फाइव लाख और बोल रहा है मार्केट में जनरली लोग जनरली लोग इस इंडस्ट्री में दस परसेंट इन रिटर्न कमा लेते हैं ये क्या है टेन परसेंट क्या है सर टेन परसेंट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिस इज एनआरआर क्वेश्चन का बोलने का मतलब यह है कि मान लो अपना अपने जिस बिजनेस 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 का का बात कर रहे हैं ना वो स्टेशनरी ट्रेडिंग है। स्टेशनरी ट्रेडिंग है, है।, है, है। कैपिटल है? तो लगाएगा उसका टेन कमा लेगा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन आपको देगा नॉर्मल इंडस्ट्री रिटर्न रेट इज दिस ऐसे करके इंफॉर्मेशन देगा टेन परसेंट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इसका मतलब ये बंदा पांच लाख रुपया लगाया था नॉर्मली इसको कितना कमा लेना चाहिए था पचास हजार लेकिन ये हीरो था ये फिफ्टी सेवन फाइव हंड्रेड कमाया थोड़ा सा ज्यादा कमाया नॉर्मल से जो ज्यादा कमाया दैट इज सुपर कमाया नॉर्मल से जो ज्यादा कमाया दैट इज सुपर कमाया दैट इज सुपर प्रॉफिट तो इसका मतलब इसका सुपर प्रॉफिट जरा बताना कितना है थाउजेंड फाइव हंड्रेड नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज इज टू फिफ्टीन थाउजेंड इज द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज हमेशा टू नहीं रहता है क्लियर है पक्का एवरेज प्रॉफिट मेथड खत्म है सुपर प्रॉफिट मैथड खत्म है लास्ट कैपिटलाइजेशन मेथड का बात करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड में नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज नहीं है फॉर्मुला में नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज का काम का हो गया नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज का मतलब ही नहीं समझ रहा है। वो थोड़ा सा इस चीज के इवेलुएशन के ऊपर होता है कि आप फ्यूचर में, कि में कितना कमाने का ताकत रखते हैं उसके हिसाब से आपका गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे और आप जो कमा सकते हैं वो कितने सालों तक कमाते रहेंगे इस तरह का प्रॉफिट उसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज ठीक है इसके अंदर और भी बहुत थ्योरी है बट उतना डेफ में अपने को जाने का जरूरत नहीं है अभी हम बात करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड का कैपिटलाइजेशन मेथड में सिंपल सा बात बोलता है कैपिटलाइजेशन वर्ड का मतलब समझो पहले तो कैपिटलाइजेशन वर्ड का मतलब ये होता है कि एवरी ईयर एक अमाउंट आपको मिलता रहे इसका आज के डेट में क्या कैपिटल है इसका आज के डेट में क्या वैल्यू है सिंपल सा बात है आज के डेट में उस चीज का क्या वैल्यू है जैसे अपने एक एवरेज प्रॉफिट निकाले अपने एक एवरेज प्रॉफिट निकाले फिफ्टी सेवन फाइव हंड्रेड फिफ्टी सेवन फाइव हंड्रेड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना बोले टेन परसेंट माई क्वेश्चन टू यू ऑल इज कि बताओ आज के डेट में हम बिजनेस में कितना पैसा लगाएं कि हम हर साल एवरी ईयर 57500 फिर 57500 फिर 57500 ऐसे आ जीवन कमाते रहे फॉर एन अनडिफिनिटली ऐसा कौन सा अमाउंट आज के डेट में बिजनेस में लगाएं सो तो दैट 10% रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से हम 57500 57500 57500 कमाते रहे आप लोग अगर ये वाला आंसर नहीं दे पा रहे हो कोई बात नहीं है इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से बोलेंगे तो आप लोग इसका आंसर दे दोगे आप ही लोग दोगे सुनना आज के डेट में हम कितना रुपया का एफडी करें फिक्स डिपॉजिट करें तो so दैट उस फिक्स डिपॉजिट से मेरे को इंटरेस्ट मिले कितना इंटरेस्ट मिले सर टेन परसेंट परसेंट पर एन एम काउजेंड आप लोग बोल पा रहे हैं इतना सा मैथमेटिक्स आप लोग से एक्सपेक्टेड है कि सर आप एक काम करिए ना बहुत सिंपल सा बात है आप फिक्स डिपॉजिट करा दीजिए और आपको 10% इंटरेस्ट वैसे मिलता नहीं है कहीं पे, है आज कल परसेंट बोला कहा क्या बात कर रहा है इंटरेस्ट रेट बोल रहे दस परसेंट बताइए पहले कौन सा बैंक ठीक है फिक्स डिपॉजिट आप कर दीजिए फाइव लाख सेवेंटी का अगर इंटरेस्ट रेट टेन परसेंट है तो आपको फिफ्टी सेवन फाइव हंड्रेड मिलेगा आप फिफ्टी सेवन फाइव हंड्रेड निकाल लीजिए तो भी आपका प्रिंसिपल सेवेंटी फाइव का पड़ा हुआ है अगले साल फिर उसके ऊपर टेन परसेंट मिलेगा फिर टेन परसेंट मिलेगा फिर टेन परसेंट मिलेगा एवरी ईयर आपको मिलता रहेगा तो आप इसको बोलते हैं कैपिटलाइज कर प्रोसेस इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन 57500 को आपने डिवाइड बाय 10% कर दिया आपने ये काम किया 57500 डिवाइड बाय 10% ये काम आपने किया और आप बोले फाइव लाख सेवेंटी फाइव थाउजेंड इसी को हम दूसरे तरीके से लिखेंगे सुनना एवरेज प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर परसेंटेज दिस इज दिस थिंग इज कॉल्ड कैपिटलाइज कर देना ठीक है तो इसका मतलब इसका मतलब आप क्या बोल रहे हो अच्छा बिट्टू फिफ्टी सेवन फाइव हंड्रेड तुम जो कमा रहे हैं ना नॉर्मली लोग पांच लाख कमाते हैं इस पैसे में तुम फिफ्टी सेवन फाइव हंड्रेड

गुडविल वैल्यूअर बोलेगा अच्छा तेरे गुडविल का लेकिन कैपिटल लगाया हुआ पांच लाख मतलब है जो तेरा कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट नहीं है अगर इस फंडा से समझोगे तो भूलोगे नहीं हाँ ऑब्वियसली इसका कंडीशन ये है कि आप रिवाइज करो एक बार रिवाइज नहीं करोगे अगर आपका पहले किया हुआ है तब तो आप लोग को ये सब एकदम मजाक लग रहा होगा अगर एकदम भी पहले नहीं किया हुआ है या बहुत ही धुंधला धुंधला किया हुआ है तब आप लोग थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा और एकदम इन किया हुआ है तो आप लोग को एक आईड... अब पता चल जा रहा है ओ अच्छा ये है दिस इज द स्टोरी तो दिस डिपेंड्स ऑन वेर यू स्टैंड एज ऑफ टूडे ठीक है तो जो लोग किया हुआ है वो लोग को तो एकदम मजाक लग रहा होगा आई एम श्योर लग रहा है क्या मजाक अनुभव कौन सा कैटेगरी में फॉल कर रहा है वन टू थ्री में ना पक्का तो वन में एक्सपेक्ट नहीं किया था थ्री भी एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम फॉल कर रहे हैं कि सर आप एक काम करिए जो आप प्रॉफिट कमा रहे हैं ना उसको कैपिटलाइज कर दीजिए प्रॉफिट जो आप कमा रहे हैं उसको कैपिटलाइज कर दीजिए उससे मिलता है वैल्यू ऑफ फर्म उसमें से आप माइनस कर दीजिए कैपिटल एम्प्लॉयड हम हर साल सुपर प्रॉफिट कमाते रहेंगे साढ़े सात साढ़े सात साढ़े सात साढ़े सात आप डायरेक्टली इसको कैपिटलाइज कर दीजिए टेन परसेंट से तो आप बोलोगे सेवेंटी फाइव थाउजेंड एंड डायरेक्टली इससे गुडविल का वैल्यू मिल जाता है मतलब

उसको इग्नोर कर सकते हैं आप लोग उसमें क्या वो लोग जबरदस्ती का बनाया कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने का तरीका उसमें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट दोनों मेथड से को गुडविल का वैल्यू अलग निकलवाना था अगर आप लोग कहीं वो देख रहे हैं तो उसको इग्नोर करिएगा मत देखिएगा नो मोर रेलिवेंट ठीक है तो पक्का गुडविल का वैल्यूएशन क्लियर है हम लोग को हम लोग गुडविल के वैल्यूएशन से आगे बढ़ रहे हैं गुडविल का वैल्यूएशन से आगे बढ़ रहे हैं तो गाइज अपना अब गुडविल का काउंटिंग ट्रीटमेंट सर गुडविल का वैल्यू निकल गया मान लो गुडविल का वैल्यू निकल गया सेवेंटी फाइव थाउजेंड मैटर सा मेथड कैपिटलाइजेशन मेथड फॉलो कर लिया या सुपर प्रॉफिट मेथड फॉलो कर लिया जो भी मेथड ये लोग बेस्ट जज किया डिसाइड करके बोला गुडविल का वैल्यू ये है अब सर गुडविल का वैल्यू निकल गया और मिस्टर uh, सी जो नया पार्टनर आया था वो कितने शेयर के लिए आया था अच्छा वाला नंबर बोलना वन बाई फाइव के लिए आया था वन बाई फाइव के लिए आया ए बी पहले से पार्टनर था नया पार्टनर सी आया वन फिफ्थ शेयर के लिए अब बताना वो गुडविल का पैसा लेकर के आएगा कि नहीं आएगा कुछ आएगा ना कुछ पैसा लेकर के कितना पैसा लेकर के आएगा सर सेवेंटी दैट इज वो पंद्रह हजार रुपया गुडविल का लेकर के आएगा मतलब क्या वो बैंक में पैसा लेकर के आएगा आइडियली उसको लाना चाहिए बट देयर कैन बी अदर अपने बात करेंगे पहले बात करते हैं ना वो पैसा लेकर के आया मतलब सर बैंक में पैसा आ गया हाँ जी बैंक में पैसा आ गया फिफ्टीन देखो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया तो सर बैंक अकाउंट डेबिट में तो हम को कोई डाउट नहीं होता है बैंक बैंक में पैसा आया मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल ये प्रीमियम फॉर गुडविल का हकदार तो कौन है सैक्रीफाइसिंग पार्टनर ये किसको मिलना चाहिए सैक्रीफाइसिंग पार्टनर को

एक एक करके हम बताएंगे उसके बाद ये तो अपने कवर कर लिया एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन गुडविल का हम समझ अभी नहीं कर रहे हैं हाँ मतलब गुडविल वैल्यूएशन का समझ नहीं कर रहे हैं गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे हेलो अमन चलिए अभी यहां पे अपने पार्टिसिपेट करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल देखो क्या-क्या अलग-अलग चीज़ हो सकता है शेयर ऑफ़ गुडविल पेड प्राइवेटली कैसा अलग अलग केसेस हो सकता है टी को पंद्रह हजार रुपया लाना था ये कैलकुलेशन हो गया अब वो बैंक में पैसा लेकर के नहीं आ रहा है वो फर्म को पैसा नहीं दे रहा है वो ए बी सी तीनों टेबल में बैठा और तीनों आपस में बातचीत किया

कुछ नहीं करना पड़ेगा पेड प्राइवेटली तो प्राइवेटली सकता है क्या प्रॉब्लम है कोई रुकावट नहीं है लेकर मतलब, मतलब ले आया फॉर्म में फिर वो लोग दस हजार पांच हजार निकाल लेगा कौन रोका है पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन थर्टी टू इतना बात करता ही नहीं है कोई मतलब नहीं है प्राइवेटली दे दिया पैसा बात खत्म क्लोज मैटर क्लोज पेड शेयर ऑफ गुडविल इन कैश प्रीमियम मेथड को इग्नोर करो पेड शेयर ऑफ गुडविल इन कैश मतलब अपने अभी अभी जो बात किए बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल पंद्रह हजार और फिर अगर वो लोग विड्रॉ कर लिया नहीं पहले तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू टू बीज कैपिटल कैपिटल ये तो हो गई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट एज या करेंट बीज कैपिटल या current, 10 और कराइव ये तो हो गई उसके बाद अगर वो लोग विड्रॉ कर लिया वो लोग अगर पैसा निकाल लिया तो सर वो तो नॉर्मल ड्रॉइंग्स वाला जैसे जर्नल एंट्री होता है वैसे ही होगा एज कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और अगर आप ऐसे सोच रहे हो नहीं सर ड्रॉइंग्स टू बैंक करेंगे और फिर उस ड्रॉइंग्स को ट्रांसफर करेंगे तो वो कर सकते हैं हाउएवर पार्टनरशिप चैप्टर में वो जरूरत नहीं है आप डायरेक्टली भी कर सकते हो वो थार गुड ठीक है पेड फॉर गुडविल अदर देन कैश सी को लेकर के आना था पंद्रह हजार वो बोला भाई मेरे पास पैसा नहीं है मेरे पास टिशॉर्ट का वॉच है पंद्रह हजार का घड़ी है ले ले ठीक है ठीक है पार्टनर लोग अग्री कर लिया अगर पंद्रह तो हजार का घड़ी ले लेगा वॉच ले लेगा उसको बुक्स में लिखेगा वॉच अकाउंट डेबिट टू ठीक है और उसको फिर वो विड्रॉ कैसे करेगा लड़ेगा मरेगा क्या मतलब है भाड़ में जाए अपने आगे बढ़े डू नॉट पे हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश सी को लाना था पंद्रह हजार बट वो नहीं लेकर के आ पाया ना तो कैश में ना वॉच में तो उसका करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे करेंट अकाउंट सी इ करंट डेबिट कर देंगे

ओनली पार्ट ऑफ इश शेयर ऑफ गुडविल तो ठीक है जितना दिया उतने के लिए कैश अकाउंट डेबिट जो नहीं दिया थाउजेंड दिया आठ हजार दे, दे दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट आठ हजार और जो नहीं दिया उसके लिए सी करंट अकाउंट डेबिट सात हजार राइट और ए और बी को तो सर मिलेगा वही दस और पांच वेन एनी एग्जिस्टिंग पार्टनर में गेन अदर सिंपल सान हुआ और उसमें बी भी अपना फायदा करा लिया तो सर पहला बात तो सी जितना भी लेकर के आएगा सी जितना भी लेकर के आएगा बैंक में पंद्रह हजार लाए या प्राइवेटली दे जो भी करेगा वो पंद्रह हजार जो आएगा ये पूरा का पूरा ए को मिलेगा और इनफैक्ट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं कैपिटल अकाउंट बी एक्चुअल में लाता नहीं है बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू तो एस कैपिटल कर देते हैं नहीं ये दोनों अलग अलग एंट्री होता है सी का अलग फिर बी के लिए एडजस्टमेंट का एक अलग एंट्री तो कि बी का भी गेन हो गया अब गेन हो गया तो जितना रेशियो जितना शेयर गेन हुआ उतना से उसका कैपिटल को डेबिट कर देंगे फॉर एग्जाम्पल उसका वन बाई टेंथ वन बाई टेंथ गेन हो गया इस पूरे प्रोसेस में सर सी तो नया पार्टनर आया उसका तो गेन होना ही होना था वन बाई फाइव और बी भी अपना गेन कर लिया वन बाई टेन का भी भी अगर अपना वन का गेन कर लिया तो सेवेंटी सात हजार पांच सौ उसका कैपिटल को डेबिट कर, कर देंगे केस में भी और ये साढ़े सात हजार भी मिलेगा करेक्ट है अपने अब सीधा इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे अच्छा वाला क्वेश्चन सीधा ठीक है ना टाइम पास वाला क्वेश्चन नहीं हाँ अगर आपको वो वाला क्वेश्चन भी टाइम पास लगे तो इसका मतलब यू आर गोइंग गुड चलो देखो एक मिनट एक मिनट रुक ना एक मिनट एक मिनट एक मिनट थोड़ा सा आगे ज्यादा बढ़ गया लो देखो यस अमन सीएमए को भी पढ़ाते हैं आप सीएमए पढ़ते हो कि आप क्लास ट्वेल्व पढ़ते हो अभी क्लास ट्वेल्व के लिए चल रहा है सीएमए का अलग से होगा आप लोग का आंसर आ जाए तो रिप्लाई दीजिएगा एवरी वन ऑनलाइन देखो तो यही आ रहा है क्या यहां पे ये जो फिफ्टी थाउजेंड दिया हुआ था बोला जी ब्रॉड फिफ्टी थाउजेंड इन कैश एंड मशीनरी वर्थ रूपी सेवेंटी थाउजेंड गुडविल तो एग्जैक्टली exactly वो मतलब टोटल जो पैसा लेकर के आ रहा है वो गुडविल के लिए कितना ला रहा है सीधा ये इन्फॉर्मेशन दिया है अगर हम आपसे यहाँ पर ये पूछे कि बताओ वैल्यू ऑफ गुडविल क्या होगा तब आप लोग बता सकोगे क्या वैल्यू ऑफ गुडविल बता सकते हो क्या खाली इसके बेस पर पता कितना वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म की वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म फर्म का गुडविल का वैल्यू सर देखिए यहां तो ना तो आप एवरेज प्रॉफिट का कोई डेटा दिए हैं ना तो सुपर प्रॉफिट का डेटा दिए हैं ना कैपिटलाइजेशन का डेटा दिए नहीं निकलेगा उसके बाद भी निकलेगा <laughs> ये लोग सब निकालेगा हम नहीं बोलेंगे आ गया आंसर एक्सेलेंट वेरी गुड हर्ष कैरी मिनाटी भाई साहब आंसर कर रहे हैं अरे वाह रोशनी करेक्ट एकदम सुपर वेरी वेरी गुड थर्टी सिक्स लैख मत बोलो थ्री लैख सिक्सटी थाउजेंड बोलो थर्टी सिक्स लैख क्यों बोल रहा है यार कैरी मिनाटी थ्री लैख सिक्सटी थाउजेंड क्यों क्योंकि बता मेरे को एक बार ये कितने शेयर के लिए आया है जो आया है कौन आया है जी आया वन थर्ड शेयर के लिए और लाया वन ट्वेंटी इसका मतलब जरूर सर शेयर ऑफ गुडविल पक्का तीन साठ होगा थ्री लाख सिक्सटी थाउजेंड होगा तभी तो वो वन ट्वेंटी लेके आ रहा है और ये कैसे मिलेगा सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में सेक्रीफाइसिंग रेशियो का कैलकुलेशन आपने अभी कर लिए क्या आप लोग वेरी गुड सुपर अभी देखो ये वाला एक सम कर लो ना एक सम कर लो तो आगे बढ़े फिर ठीक है चलो अपने गुडविल से थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं लेट्स मूव ऑन अ लिटिल जब भी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है तो रिकंस्टिट्यूशन के जस्ट पहले जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स लोग होते हैं उन लोग का एक बैलेंस शीट होगा अप्रैल 2023 को रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है बट मार्च तक का एक बैलेंस शीट बना हुआ है थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी तक का जो बैलेंस शीट बना हुआ है उस बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग है फाइव लाख प्लांट एंड मशीनरी है फोर लाख फर्नीचर एंड फिक्सचर है थ्री लाख बताओ स्टॉक कितना होगा वन लाख फिफ्टी डेटर्स होगा फिफ्टी थाउजेंड करेंट असेट मिला के बोले थे दो लाख तो ठीक है उसके बाद यहां पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कुछ कैपिटल है ए और बी का फॉर एग्जाम्पल टू लाख फिफ्टी थाउजेंड और वन लाख फिफ्टी थाउजेंड फोर लाख का कैपिटल है इन लोग का ठीक है उसके बाद लोन लेकर के रखा है आठ लाख का और क्रेडिटर्स है बताओ कितना देखो तो मैच है क्या फोर्टीन लाख है क्या टोटल जब एक नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है या रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है चेंज इन पीएसआर भी हो सकता है जब भी रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है उसके जस्ट पहले ये वाला एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट है अब जब नया पार्टनर सी आएगा पार्टनर सी आएगा उसको अपने क्या बोले पार्टनर सी को सुन पार्टनर सी हम लोग का ना गुडविल का वैल्यू है सेवेंटी फाइव थाउजेंड इसमें से तुम वन फिफ्थ शेयर के लिए आ रहे हैं तो तुम पंद्रह हजार प्रीमियम फॉर गुडविल दे दे सी को अपने ऐसा बोले सी बोला ओके नो प्रॉब्लम हम पंद्रह हजार आप लोग को गुडविल का पैसा अलग से दे देंगे प्राइवेटली दे देंगे या बैंक में ले आएंगे जैसे भी आप लोग को दे देंगे आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम और मेरे को आप पार्टनर बना लीजिए यहाँ पे पार्टनर सी का नाम भी ऐड कर दीजिए हम अपना कैपिटल का ले आते हैं पचास और यहां पे आप बैंक अकाउंट में देखिए यहाँ पे आपका अरे बैंक अकाउंट अपने आप लोग के पास बैंक में पैसा नहीं है लीजिए बैंक में हम पैसा आप लोग के डाल देते हैं हजार बेवकूफ यहाँ पे तेरे को दिख नहीं रहा है यहाँ पे तेरे को दिख नहीं रहा है इतना सारा असैट तेरे को क्या लगता है लैंड एंड बिल्डिंग क्या पांच लाख में लिखा हुआ है तो क्या पांच लाख का ही है हम लोग के पास हाँ ये हम लोग खरीदे थे आज से दस साल पहले आज के डेट में इसका वैल्यू थर्टी लैक्स है मार्केट में बेचने जाएंगे ना बिल्डिंग थर्टी लैक्स है और अगर तुमको पार्टनर बना ले तो तुम इस थर्टी लाख में वन फिफ्थ का मालिक बन जाएगा इस तीस लाख रुपए में वन फिफ्थ छह लाख का मालिक तुम बन जाएगा पचास हजार रुपया देखे पचास हजार रुपया देखे तभी तो ए और बी सीधा बोल दिया ना बेफूहत हाँ नहीं अगर ऐसा सोच रहा है तो में 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 भी कुछ इसी तरह का बात होता होता है। है तो होता है 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 मालूम को एक और चल चल रहा रहा पता पता है कितना है? टेन पर शेयर। में अभी क्या सौ पचास कल तक का लास्ट भाव था तो कितना का प्रीमियम पे चल रहा है भाव अगर आज के डेट में मार्केट में खरीदते हो तो टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड फोर्टी ठीक है

लाख करोड़ से ज्यादा का जनरल रिजर्व है जनरल रिजर्व मतलब फ्री रिजर्व जो कल चाहे तो वो डिविडेंड में बांट सकता है रिलायंस इंडस्ट्रीज तुम लोग जीरो का कैलकुलेशन करो थोड़ो आ जाओ इधर कम बैक तो इसका मतलब सर ये ये लैंड एंड बिल्डिंग लोग फिर पांच लाख में लिख के क्यों रखा है अरे ये अपना पॉलिसीज़ ऐसा होता है अपने, अपने बोलता है कि and and cost, उसको करते जाओ। और को है यही नियम है इसीलिए अपने तो वो वाला अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो करते हुए इस तरह से बैलेंस शीट में फिगर्स लिख के रखे है लेकिन जब रिकन्स्टिट्यूशन का नंबर आएगा तो क्या हम लोग एक नया मालिक बनने देंगे पांच लाख का वैल्यूएशन पे नहीं ना हम लोग बोलेंगे नहीं नहीं इसका तो रीवैल्यूशन करेंगे करेंगे तो रीवैल्युएशन प्रॉफिट होगा कितने लाख का रिवैल्यूशन प्रॉफिट होगा ट्वेंटी का ट्वेंटी फाइव लाख का रिवैल्यूशन प्रॉफिट होगा इस रिवैल्यूशन प्रॉफिट का हकदार कौन है सर एग्जिस्टिंग पार्टनर लोग है ए और बी है सिर्फ जो इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है एग्जिस्टिंग थ्री टू टू है तो थ्री टू टू है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से फॉर एग्जाम्पल थ्री टू टू है तो ये पच्चीस लाख को ये लोग में बांट लेगा पंद्रह लाख दस लाख ए और बी पंद्रह लाख और दस लाख बांट लेगा सर सिंपली पता है क्या होगा देखो यहां पे ना ये एक बार फिगर्स पे ध्यान देना सब कोई सर ये पांच लाख की जगह ये हो जाएगा थर्टी लैक्स तो इसका मतलब यहां पे पच्चीस लाख रुपया बढ़ा दिए ये पच्चीस लाख रुपए यहां पे भर जाएगा ये टू, टू लाख में बेचारा संतोष करके बैठा था अब ये बोलेगा नहीं 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 मेरा तो हो गया ग्यारह लाख पचास हजार ठीक है ऐसे चेंज हो जाएगा देखो ये चेंज हो गया लैंड बिल्डिंग भी थर्टी लैख हो गया और ये लोग का कैपिटल भी चेंज हो गया नेट इफेक्ट ये होता है नेट इफेक्ट यही होता है इसी तरह से अब सी बोलेगा जो नया पार्टनर आ रहा है और तुम लोग बेवकूफ बना रहे कि तुम लोग को डेटर से मिलने वाला है पचास हजार जो, जो का डेटर लिख के रखा है ना उसमें से एक डेटर तो मेरा भाई है और वो चोर है वो मेरा ही पैसा मार के बैठा है मेरा ही पैसा नहीं दे रहा तो तेरा क्या पैसा देगा तो चालीस हजार रुपया तो उससे मिलना नहीं है आई नो मेरे भाई को ठीक है फिर ये जो तुम लोग स्टॉक लिख करके रखा है वन का इसमें से तुम लोग के पास आधा स्टॉक तो तीन साल पुराना वाला पड़ा हुआ है जो अब तुम लोग बेच नहीं पाएगा दस हजार में भी वो ऑप्सोलिट स्टॉक है उसको हटाओ डेढ़ लाख रुपया जबरदस्ती लिख के रखा है फिर तुम लोग फर्नीचर एंड फिक्सर लिख के रखा है तीन लाख रुपया और एक तो टेबल लगा करके बैठा हुआ बिजनेस में हाँ इसका कीमत बीस रुपया है तुम लोग कोई पुराना तुम लोग के पास कभी कोई फर्नीचर हुआ करता था वो तुम लोग खरीद के बैठ गया और डेप्रिशन किया ही नहीं है या एकदम कमती डेप्रिशन किया है और तुम लोग के पास जो प्लांट एंड मशीनरी तुम लोग लिख के रखा है चार लाख बता तो दिखा मेरे को कौन सी टीसी मशीन लगा करके रखा है तो तर्क वितर्क होगा और ए और बी बोलेगा कि नहीं हम लोग को ये वाला सेट का वैल्यूशन बढ़ाना है बी सी बोलेगा कि नहीं नहीं तो ये वाला सेट का वैल्यूशन गिराओ भी तो ठीक है कुछ असेट का वैल्यू बढ़ेगा कुछ असेट का वैल्यू गिरेगा कुछ लाइबिलिटी का वैल्यू बढ़ेगा कुछ लाइब्रिटी का वैल्यू गिरेगा सब कुछ एकदम फेयर वैल्यू पर आ जाएगा जो एक्चुअल में आज के रेट में मार्केट में करेक्ट वैल्यू है उस वैल्यू पर आ जाएगा और ऐसा होने के चक्कर में कुछ असेट का वैल्यूशन बढ़ेगा कुछ असेट का वैल्यूशन गिरेगा कुछ लाइब्रेटी का वैल्यू बढ़ेगा कुछ लाइब्रेट का वैल्यू गिरेगा अब बताना मेरे को प्रॉफिट कौन कौन से वैल्यूगा में होगा ये सारा असेट और लाइब्रेटी का वैल्यू बढ़ाना और घटाना होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये असेट और लाइब्रेटी का वैल्यू बढ़ाना और घटाना कहां होगा सर रिवैल्युएशन अकाउंट में इसको शांति से करते हैं बोलता नहीं नहीं चुपचाप करो मेरे को उसके बाद बदतमीजी सर ये सारा काम ना रिवेल्युएशन अकाउंट में होता है ये आपका रिवैल्युशन अकाउंट मतलब कुछ असेट का वैल्यू बढ़ेगा कुछ असेट का वैल्यू गिरेगा कुछ लाइब्रेटी का वैल्यू बढ़ेगा कुछ लाइब्रेटी का वैल्यू गिरेगा वैल्यूएशन अकाउंट एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसे है एक नॉमिनल अकाउंट के जैसे है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपके पास जो भी इनकम वाला बात होता है वो वो आप लिखते लिखते हो हो क्रेडिट साइड में जो भी एक्सपेंसेस होता है वो कहां लिखते हो? यहां पर अगर कोई फायदा वाला बात हुआ तो वो आप क्रेडिट साइड में लिखोगे अगर कोई नुकसान वाला बात हुआ तो वो आप यहां पे लिखोगे बताओ फायदे वाला बात कौन कौन सा है वेरी गुड सर लैंड एंड बिल्डिंग अगर पांच से पचास हट्टी हो रहा है तो ये जो 25 लाख ,00 रुपया बढ़ रहा है ये इतना बड़ा फायदा का बात है 25 लाख ,00 रुपया तो फायदे में लिख दीजिए फिर जो सी इतना ज्यादा रो रहा था प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू गिराओ दो लाख से तुम लोग जबरदस्ती ज्यादा दिखा करके रखा है तो लोग गिरा दिए फिर फर्नीचर एंड फिक्सर को भी गिराना है क्या लो एक लाख अस्सी हजार इसको भी गिरा दिए स्टॉक को भी गिरा दिए लो कितना ट्वेंटी थाउजेंड और डेटर्स को भी गिरा दिया लो बाकी सारा सेट का वैल्यू गिर गया कितना फोर्टी है फिर यहां पे लोन तो बैंक से लिया हुआ है सर बैंक का लोन में कोई लोचा नहीं है ये एज इट इज है ऐसा हो सकता है नॉट सेइंग कि लोन का वैल्यू रीवैल्यू नहीं हो सकता है लोन का वैल्यू भी रीवैल्यू हो सकता है लोन का वैल्यू भी रीवैल्यू किया जा सकता है बट अभी अपने एग्जाम्पल में हम नहीं ले रहे हैं नाउ आई विल बी जस्ट सेइंग थिंग की क्रेडिटर का वैल्यू कितना से कितना हो गया आप लोग को एक बार सोचना है हड़बड़ाना नहीं है एक बार राइट आंसर right देना है, है। तो दे कमाल कर रहा है मतलब वो बोल रहा कि हम तो ऐसी बक्कड़ बम्बे बोल में जिंदगी जी रहे ठीक है सुनो टू लैख अभी है क्रेडिटर्स हो गया टू लैख फिफ्टी थाउजेंड दो लाख पचास हजार टेक योर टाइम थिंक Me, कि क्या जर्नल एंट्री होना चाहिए और उसके हिसाब से तो कहां लिखें जर्नल एंट्री बोलो ना सर क्रेडिटर का वैल्यू आप बढ़ा रहे हैं दो से दो पचास कर रहे हैं इसका मतलब आप लाइबिलिटी बढ़ा रहे हैं लाइबिलिटी प्लस का मतलब होता है क्रेडिट तो इसका मतलब सर क्रेडिटर को तो आप करेंगे क्रेडिट डेबिट किसको करेंगे रिवेल्यूशन अकाउंट जर्नल एंट्री होगा रिवेल्यूशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर तो यहां पे टू क्रेडिटर भी आ जाएगा पचास नहीं हम साठ कर रहे हैं दो से दो साठ कर दिए क्रेडिटर को टू लाख से टू लैख सिक्सटी थाउजेंड कर दिए ए और भी बोलेगा चल तेरा सारा बात मान लिए तुम खाली इसको मानना बाकी सब हम लोग संभाल लेंगे पच्चीस लाख रुपया से लैंड एंड बिल्डिंग भरा और यहाँ पे देखो चार पांच लाख तो भी तो भी ओवरऑल में रिवैल्यूशन प्रॉफिट हुआ कितना का बीस लाख का अगर प्रॉफिट शेयरिंग थ्री टू है तो बारह और आठ बारह लाख लाख एक और बी को दोनों को मिल जाएगा एस कैपिटल या बीस कैपिटल बारह लाख आठ लाख दोनों को मिला के बीस लाख ये लोग कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे ये तो आपने बहुत अच्छा 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 ही बात किए उल्टा भी तो हो सकता था लैंड एंड बिल्डिंग मान लो है ही नहीं बुक्स में ही नहीं है तो पांच लाख का नुकसान हो गया तो ए और बी का कैपिटल को डेबिट करना पड़ जाएगा कितना कितना थ्री लाख और टू लाख करेक्ट है ना इसको जर्नल एंट्रीज में एक बार फटाफट बोले क्या जर्नल एंट्रीज में अगर बोले तो सर लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू आप बढ़ाए तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवेल्यूशन अकाउंट रिवैल्यूशन अकाउंट को क्रेडिट करिए तो जितना भी आप असेट का वैल्यू गिराए तो वो असेट्स को तो आप क्योंकि असेट माइनस कर रहे हैं तो ये सबको तो आप क्रेडिट कर रहे हैं ये सारा अटेट का वैल्यू अब गिरा रहे हो तो मतलब माइनस क्रेडिट कर रहे हैं डेबिट किसको करें रिवेल्यून अकाउंट को लाइब्रेट बढ़ाने का भी सिनेरियो आ सकता है जो कि यहां पर आया आयाब्रेट बढ़ाना मतलब लाइब्रेट को क्रेडिट करना है वाला सिचुएशन भी हो सकता था वो फायदे वाला बात हो जाता वो यहां पर आ जाता आप इसको हर एंगल से समझिए जर्नल एंट्री के थ्रू सर फायदा वाला बात क्रेडिट साइड में नुकसान वाला बात डेबिट साइड में क्रेडिटर्स का बढ़ जाना नुकसान वाला बात हो गया ना ए और बी के नजरिए से सोचो राइट क्रेडिटर्स का सर ज्यादा होने वाला सिनेरियो ऐसा क्यों होगा पहला बात तो आपको क्वेश्चन बोल देगा तो आर्ग्यूमेंट का कोई स्कोप नहीं है दूसरा बात प्रैक्टिकली ऐसा कैसे हो सकता है आपने गुड्स परचेज किया था वो आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया उधार में आपने गुड्स परचेज किया था वो आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया तो क्रेडिटर आपका दिख तो रहा है दो लाख का बट है एक्चुअल में दो लाख साठ हजार अब आप ये मत बोल रहा कि अच्छा सर इसका मतलब फिर आपको स्टॉक भी बढ़ाना चाहिए सिक्सटी थाउजेंड से अरे स्टॉक तो बढ़ा के भी इतना ज्यादा ऑलरेडी बढ़ा हुआ था कि गिराना पड़ गया अल्टीमेटली नेट में ट्वेंटी गिराना पड़ रहा है

फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज एक क्लास में खत्म करेंगे वो भी एक में खत्म करेंगे बढ़ गया, क्या करें नहीं बढ़ाए मतलब मेरे को हाँ 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 ठीक ठीक है क्यों तुम लोग तुम लोग का अभी कब से स्टार्ट हो रहा है हाँ तो तुम लोग तब तक क्लास कर पाएगा क्या तुम लोग का तो से स्टार्ट हो रहा है तो जाएगा फिर एग्जाम देने जाएगा चलो ठीक है अपने इसको थोड़ा सा एक्सटेंडेड सेशन लेंगे एक्सटेंडेड सेशन लेंगे कल वाला लेंगे क्या कल वाला थोड़ा सा चलो कल और परसों दोनों सेशन थोड़ा सा से एक्सटेंडेड होगा खत्म करते हैं कल और परसों दोनों दिन एक्सटेंडेड सेशन होगा थोड़ा सा एक्सटेंडेड होगा एक्सटेंडेड का मतलब आधा पौन घंटा एक्सटेंड थर्टी फोर्टी फाइव मिनट एक्सटेंड कर देंगे चलिए ठीक है सी यू ऑल टुमोरो वाइस सी यू टुमोरो अगेन एट नाइन ए एम टाटा बाय